हालेलुया हालेलुया। आई एम सॉरी दैट बीच में अभी एक कॉल आया मुझे, तो उसके वजह से एक इंटरप्शन हुआ। बट एनीवे लेट्स अगेन स्टार्टेड एंड आई आस्क द होली स्पिरिट, मैं पवित्र आत्मा को अभी इस वक्त हमारे बीच में बुलाते हैं कि जैसे मैं वचन और स्तुति गाने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम के लिए, उसका जलाल और उसका महिमा हो, तो आई आस्क द होली स्पिरिट टू राइट नाउ कम एंड टच माई हार्ट एंड टच माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हार्ट हु इज लिसनिंग टू दिस दिस न्यू एपिसोड ऑफ स्पिरिट फिट द बॉडी फिट एंड आई प्रे, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस हिसाब से खुदावन आप उनको टच करे और मुझे भी टच करे, जैसे जैसे मैं वचन बांटने वाला हूँ, जैसे मैं गाना गाने वाला हूँ, उनका हृदय स्पर्श हो जाए और मेरा भी हृदय स्पर्श हो जाए। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा, धन्यवाद 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 यीशु मसीह कि मैं अभी इस गाना गा सकूं ताकि आपका महिमा, आपका जलाल, आपका आई कुड डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ओनली फॉर यू एंड थ्रू यू। सो लेट्स गो इन द वर्ड। अभी आज का वचन है फ्रॉम 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्स नंबर 9, और उसमें कहा गया है कि 2 Corinthians 12:9 में कहा गया है कि जब हम when we are weak he is strong because his strength is manifested in our weakness। जब हम ताकत में कम होते हैं तभी यीशु मसीह का सामर्थ हमारे ऊपर आता है। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू बोस्ट अबाउट हिज स्ट्रेंथ इन अस। सो दैट डजंट मीन यू हैव टू बी वीक, नो दैट डजंट मीन यू हैव टू बी वीक, बट व्हाट यू हैव टू बी इज यू हैव टू नॉट, अब आपको आपकी ताकत में नहीं रहना है, आपको आपकी ताकत में नहीं रहना है, आपको खुदावन की ताकत में रहना है। उसका मतलब ये है कि जब हम ताकत से कम है, आपको बिल्कुल निडर नहीं होना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ हमारे ऊपर आता है, यीशु मसीह का सामर्थ हमारे ऊपर उंडेलता है, यीशु मसीह हमारे ऊपर सामर्थ देता है ताकि हम जो भी अंधकार की शक्ति उसके डट कर खड़े रह सकते, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा सिर्फ। तो आपको ये जानना है और ये मानना है कि यीशु मसीह का सामर्थ हमारे ऊपर तब आता है जब हमारा ताकत कम होता है। When we are weak, he is strong. So you need to know that whenever you feel that you are weak, always get to know you're not alone. Jesus is with you. यीशु मसीह आपके साथ है। So let's close this with a sweet and a wonderful little prayer. Heavenly Father, thank you so much that I could come, I could sing even with all this problem out over here. I'm in a very different place where it is very very difficult for us Christians to spread the gospel or even do something live like this, but I do not care because why? I have the Lord with me. I have the strength of the Lord with me. The precious blood of Jesus Christ has come upon me and has cleansed me, so I know and I will boast in his name. Main unka naam ka jalal marunga, unke naam ka jalal thokunga, seene thokke baat karunga. To yeshu masih khudawan shukriya ki aapne ye time mujhe de diya, and मैं ये प्रेयर आपके नाम में
मांगता हूँ, सुना कबूल कीजिए पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रेशियस सेंट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।